लेट्स डिस्कस बैटल ऑफ द बुक्स. जोनाथन स्विफ्ट इज़ द राइटर ऑफ बैटल ऑफ द बुक्स. जोनाथन स्विफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जोनाथन स्विफ्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे अच्छे सटायरिस्ट हैं. ही बिलोंग्स टू द 18th सेंचुरी इंग्लैंड. वे 18वीं इंग्लैंड की 18वीं सदी इंग्लैंड में 18वीं सदी से संबंधित हैं. ही इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज सटायर्स. वो अपने सटायर्स के लिए हमेशा जाने जाते हैं. इन ही सटायर्स ही इफेक्टिवली सटराइज द फॉलीज एंड वाइसेज ऑफ लाइफ ऑफ द टाइम. अपने सटायर्स में वो उस जमाने की जो मूर्खता और जो बुराइयां हैं उनको इफेक्टिवली प्रभावशाली रूप से सटायराइज्ड करते हैं, यानी कि व्यंग्य करते हैं उनके ऊपर. द पॉलिटिकल रिलीजियस एंड लिटरेरी कंट्रोवर्सीज आर ट्रीटेड एज मेजर थीम्स इन दिस सटायर्स. उनके सटायर्स के जो मुख्य थीम्स हैं वो है पॉलिटिकल रिलीजियस और लिटरेरी कंट्रोवर्सीज, राजनीतिक धार्मिक और साहित्यिक विवाद मुख्य थीम है उनके सटायर्स के. ही सटायर्स आर फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड इन्वेंटिवनेस. उनके जो सटायर्स हैं वो इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति और इन्वेंटिवनेस खोज करने की जो कला होती है उससे भरे हुए हैं. द बैटल ऑफ द बुक्स इज रिटन ऑन द फेमस कंट्रोवर्सीज ऑन द रिलेटिव मैटर ऑफ द एंशंट राइटर्स. बैटल ऑफ द बुक्स जो है पुराने जमाने के जो एंशंट जो राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो फेमस कंट्रोवर्सीज थी उनके ऊपर लिखी गई है. इन दिस कंट्रोवर्सी स्विफ्ट टुक द साइड ऑफ सर विलियम टेम्पल. इस कंट्रोवर्सी में, इस विवाद में स्विफ्ट जो है वो सर विलियम टेम्पल की साइड लेते हैं जो उनके पैटर्न हैं. पैटर्न मतलब जो उनके मेंटोर हैं, मतलब एक गुरु की तरह मान लो जो जिसको वो अपना गुरु मानते हैं. टेम्पल फेवर्ड द मेरिट्स ऑफ द एंशियंट्स. टेम्पल जो थे उन्होंने पुराने ज़माने के जो कवि या लेखक थे उनकी विशेषताओं को फेवर किया. बेंटली एंड वॉटन चैलेंज्ड टेम्पल्स व्यूज़. बेंटली और वॉटन ये थे जो उनके विरोधी थे जिसने टेम्पल के व्यूज़ को विचारों को चैलेंज किया. द बैटल स्टार्टेड. युद्ध उनका शुरू होता है. इन दिस बैटल द ऑथर फेवर्स द एंशंट राइटर्स. और यहाँ जो ऑथर हैं जोनाथन स्विफ्ट वो क्या करते हैं एंशंट राइटर्स को ही फेवर करते हैं. वो टेम्पल को फेवर करते हैं और टेम्पल एंशंट राइटर्स को फेवर करते हैं. इसलिए जोनाथन स्विफ्ट जो है वो भी एंशंट राइटर्स को ही फेवर करते हैं. स्विफ्ट हैज़ गिवन दिस कंट्रोवर्सी ए शेप ऑफ सटायर. स्विफ्ट ने इस कंट्रोवर्सी को, इस विवाद को एक सटायर का रूप दे दिया. दिस कंट्रोवर्सी इज़ द मेजर थीम ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स. और यही जो विवाद है बैटल ऑफ द बुक का मेजर थीम है. दिस ब्यूटीफुल सटायर डील्स विद द फाइव इंसिडेंट्स. यह ब्यूटीफुल ये सुंदर व्यंग्य जो है वो पाँच घटनाओं पर आधारित है. द फर्स्ट ऑफ द फाइव इंसिडेंट्स फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द सटायर. और इन पांचों में से जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो पूरे सटायर की मेन बॉडी को का रूप धरता है. दिस इंसिडेंट डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न्स टू लिव ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द पोएट्री. और यह जो घटना है ये पुराने और आधुनिक जमाने के जो पोइट्स हैं उनके बीच में है, के बीच में एक झगड़ा है कि टू लिव ऑन द हाइएस्ट पीक ऑफ द पोएट्री. पोएट्री की हाइएस्ट पीक, चरम सीमा पर, चरम चोटी पर रहने के लिए. दिस हैज़ बीन ट्रीटेड इन द एलिगोरिकल मैनर. यह एक एलिगोरिकल मैनर में लिखी गई है. एलिगोरिकल मैनर तुम सबको पता है कि जो चीज़ एक्चुअल में है उसी चीज़ को कहानी या स्टोरी मतलब राइटिंग में शो करना. वो चीज़ एक्चुअल में है बस उनके नाम वगैरह बदल के उनको एक कहानी का या किसी भी राइटिंग का रूप दे दिया जाता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट टेक्स ए सीरियस टर्न. अब जो सेकंड पार्ट है वो एक सीरियस टर्न ले लेता है. इन ए कॉर्नर ऑफ द सेंट जेम्स लाइब्रेरी द बैटल अमंग द बुक्स टेक्स प्लेस. ये जो बैटल अमंग द बुक्स है, बुक्स का जो युद्ध है वो कहाँ पे होता है, सेंट जेम्स लाइब्रेरी के एक कोने में. दिस इंसिडेंट हैज़ बीन ट्रीटेड इन मॉक हीरोइक मैनर. और यह जो इंसिडेंट है इसको एक वीर काव्य के रूप में ट्रीट किया गया है. द सेकेंड इंसिडेंट कंसर्न्स द एपिसोड ऑफ द स्पाइडर एंड द बी. और सेकेंड इंसिडेंट में एक स्पाइडर और बी का एग्जाम्पल दिया जाता है. द स्पाइडर इज़ द सिम्बल ऑफ द मॉडर्न्स एंड द बी रिप्रेजेंट्स द एंशियंट्स. स्पाइडर जो है, मकड़ी जो है वो मॉडर्न्स को सिम्बलाइज करती है और जो बी है मधुमक्खी वो एंशियंट पोइट्स को रिप्रेजेंट करती है. विद द हेल्प ऑफ दिस फेबल स्विफ्ट वांट्स टू से दैट लाइक स्पाइडर्स द मॉडर्न पुट फॉर्थ डर्ट. और इस जो फेबल होती है जानवरों की कहानी, मतलब ऐसी कहानी जिसमें जानवर ही करेक्टर होते हैं, तो यहाँ भी मकड़ी और ये मधुमक्खी करेक्टर्स हैं. तो इसके द्वारा स्विफ्ट क्या कहना चाहता है कि स्पाइडर्स जो है वो मॉडर्न
लाइक स्पाइडर्स द की मॉडर्न जो पोएट है वो स्पाइडर्स की तरह डर्ट फोर्थ डर्ट मतलब धूल यानी कि गंदगी फैला रहे हैं. लाइक बीज द एंशियंट स्प्रेड हनी एंड स्वीटनेस, और जो एंशियंट राइडर्स हैं वो एक मधुमक्खी की तरह हनी और स्वीटनेस फैला रहे हैं. दस हेयर स्विफ्ट हैज़ प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ द एंशियंट, यहाँ पे स्विफ्ट ने जो पुराने प्राचीन जो कवि हैं उनकी सुपीरियरिटी को उनके बेटरमेंट को प्रूव किया है. लेटर ऑन द सटायरिस्ट प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द बैटल फील्ड, अब जो सटायरिस्ट है यानी कि जोनाथन स्विफ्ट जो है वो बैटल फील्ड की एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं. बोथ द ग्रुप्स अगेंस्ट स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े विरुद्ध खड़े हैं. द बैटल स्टार्ट्स, युद्ध शुरू होता है. दिस ग्रुप्स यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपन, ये दोनों ही ग्रुप सभी तरह के हथियारों का यूज़ करते हैं. ऑन द वन साइड देर आर पोलस होमर पिंडर यूक्लिड अरिस्टोटल एंड प्लेटो, एक साइड तो ये जो पुराने ज़माने के पोइट्स हैं वो हैं और दूसरी साइड कौन है, बैकन ड्राइडन एंड सम अदर्स आर ऑन द अदर साइड. एट लीस्ट द एंशियंट विन द बैटल, और जो पुराने प्राचीन कवि हैं वो बैटल को जीत जाते हैं. दस द बैटल ऑफ द बुक्स इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड सटायर, इसलिए बैटल ऑफ द बुक्स जो है आलोचना और व्यंग्य से भरे पड़े हैं. बट इट इज भरी पड़ी है ये बुक, बट इट इज़ रेयरली बिटर, लेकिन यह कड़वा नहीं है. कड़वा मतलब ये नहीं कि हजम ना हो अच्छा ना लगे, ऐसा नहीं है. इट इज़ फ्लुएंट एंड विटी, यह एक फ्लुएंट है लगातार चल रहा है और विटी है. विटी भी तुम्हें विटी का मीनिंग पता है ना, एक हंसी मजाक वाला जिसमें व्यंग्य किया गया है, लेकिन वो बुरा व्यंग्य नहीं है, हंसी मजाक के रूप में ये व्यंग्य किए गए हैं. स्विफ्ट हैज़ रिगार्डेड द मॉडर्न्स एज स्पाइडर्स एंड द एंशियंट एज बीज, स्विफ्ट ने मॉडर्न्स को स्पाइडर और एंशियंट पोइट्स को बीज कहा है. ओके.